हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैंड स्टैंड। तो घर पर आपको कैसे किस तरीके से आसानी से हैंड स्टैंड सीखना है, तो तीन स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टेप आपको वॉल का सहारा लेना है और दूसरा स्टेप है जो कि आप विदाउट वॉल का सहारा लेकर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। आपको वॉल का सहारा लेना है, उसके बाद आपको हैंड स्टैंड की करनी प्रैक्टिस। तो चलिए मैं एक बार दिखा दूँगा आपको। ये देखिए, इस तरीके से आपको वॉल का सहारा लेना है। उसके बाद हैंड स्टैंड आपको कम से कम 3 दिन आपको वॉल की मदद से आपको हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करनी है। उसके मतलब कि आपको वॉल को दीवार के सारे को हटा देना है। तो एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, अब आपको उसी वॉल का सारा हटा देना, उसके बाद आपको करते हैं बिना वॉल की प्रैक्टिस। तो देखते हैं, प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इस तरीके से हाथ रखकर आपको ऊपर से जंप देना है, आपको ऊपर की और ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस अच्छे से करने के बाद आप हैंड स्टैंड की फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बिल्कुल हैंड स्टैंड अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से मैं सीख रहा हूँ। ये देखिए, करने के लिए आपको 10 पुशअप मारनी है, 3 सेट 10 भी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको पुशअप की प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए, जिस तरीके से आपको हाथ रखना है, उसके बाद आपको ये शरीर को डाउन करना है, ये अप करना है। इसी तरीके से आप अपने हाथ को मजबूत कर लेंगे और हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस आप 2 से 3 4 दिनों के अंदर अच्छे से करो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।